नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसलिए एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे और मित्र के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आपके ये स्टडी 91 में यूपी टेट की पुस्तक है, मात्र 249 रुपये में। हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच शुरू हो चुका है। दोस्तों पर्यावरण की थीम, सर्वपहले हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण की थीम के बारे में। दोस्तों कई बार पर्यावरण की थीम और उप थीम से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है आपके सी टेट में और यूपी टेट में और सुपर टेट। दोस्तों इसलिए पर्यावरण की थीम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण की थीम दोस्तों जानते हैं। दोस्तों ये जानिए कि पर्यावरण की जो थीम होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों पर्यावरण की जो थीम है वो 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। जैसे दोस्तों पर्यावरण की थीम की बात की जाए तो सर्वप्रथम हमारा आता क्या है दोस्तों? परिवार। क्या आता है? हमारा परिवार आता है दोस्तों। क्या आता है पर्यावरण थीम के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम हमारा आएगा परिवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? परिवार आएगा, ठीक है। अगर हमारा जो परिवार है दोस्तों, तो परिवार के बाद दोस्तों हमारे परिवार दोस्तों बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे, तो उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो उन्हें आवश्यकता पड़ेगी भोजन की दोस्तों। जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी थीम हमारी क्या है दोस्तों? भोजन। दूसरी थीम हमारी भोजन यानी कि फूड। क्या है दोस्तों? फूड है। अब दोस्तों अब भोजन मिल गया, भोजन मिलने के बाद अब जैसे कि दोस्तों हम सभी जाते हैं खाने के बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? वाटर की, यानी कि हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी दोस्तों? जल की। तो पहला हमारा परिवार हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? भोजन हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया दोस्तों? जल यानी कि वाटर हो गया। अब दोस्तों जल की हमें आवश्यकता हो गई, अब दोस्तों हमने खेला कूदा, अपने परिवार के साथ एंजॉय किया, भोजन भी किया, जल भी पी लिया। अब दोस्तों हम रेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना पड़ेगा? कहाँ पे? घर पे। तो यानी कि हमें आश्रय लेना पड़ेगा दोस्तों। तीसरी चौथी थीम हमारी क्या है? आश्रय। क्या है हमारी चौथी थीम? आश्रय है दोस्तों। आश्रय इन द सेंस हम कहां पे ले रहे हैं आश्रय? अपने घर पे आश्रय ले रहे हैं, अपने घर पे रुके हैं। तो हमारी चौथी थीम दोस्तों क्या है? आश्रय है दोस्तों। क्या है? चौथी थीम हमारी आश्रय। अब दोस्तों अब हमने क्या किया? हर चीज हो गया भाई, ठीक है। अब हम पा गए बहुत अच्छा सा, हमने भोजन भी कर लिया, हमने हमारे परिवार के साथ खेला कूदा, भोजन भी कर लिया, हमने पानी भी ग्रहण कर लिया, और हमने क्या कहते हैं दोस्तों आश्रय भी ले लिया अपना। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या किए? अब शाम को हमें क्या है? थोड़ा सा याद टहलना है, यात्रा करना है, तभी दोस्तों हम और लोगों से मिल पाएंगे, जानेंगे कि क्या होता है समाज के बारे में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ेगी। तो दूसरी हमारी थीम क्या हो गई दोस्तों? शाम को हमें टहलना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, तो ये यात्रा हो गई। नेक्स्ट थीम हमारी क्या हो गई? यात्रा हो गई दोस्तों। यानी पांचवी थीम हमारी क्या हो गई? यात्रा हो गई। अब भाई हम गए वहां, हमने लोगों से मिला, हम लोगों ने, और यानी लोगों ने कई चीजें बताई। अब हमारे दिमाग में दोस्तों कई चीजें चलने लगी, हम सोचने लगे अरे यार क्या यार शर्मा जी ये कह रहे थे, यार आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं, यार बिमलेश भाई तो ये कह रहे थे आप जो चाहे वो बना सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि हमारी जो छठवीं थीम होती है, जो छठवीं थीम होती है जिसमें कि हम जो चाहे सोचते हैं, जो सोचते हैं दोस्तों, जो सोचते हैं, जो सोचते हैं वही हम सोचते हैं, वही हम करते हैं या कर सकते हैं दोस्तों, वही करते हैं या वो कार्य हम कर सकते हैं, वह कार्य हम कर सकते हैं, वह कार्य हम करते कर सकते हैं। दोस्तों ये थीम हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी छठवीं थीम हो गई। जो सोचते हैं वही करते हैं, वही बनाते हैं, वही दोस्तों हम प्रयोग करते हैं। तो ये चीज है दोस्तों, ये हमारी 6 थीम है पर्यावरण की। जो 6 थीम है दोस्तों, ये 6 थीम है, मैंने आपको एक कहानी की तरह समझाया दोस्तों। पहली थीम हमारी क्या है? पहली थीम हमारी परिवार है। दूसरा थीम हमारी क्या है? भोजन है। तीसरी थीम हमारी है जल है दोस्तों। चौथी थीम हमारी है आश्रय यानी कि आश्रय है। और पांचवी थीम हमारी क्या है दोस्तों? पांचवी थीम हमारी यात्रा है। पांचवी थीम क्या है हमारी?
पांचवी थीम दोस्तों हमारी यात्रा है, और छठवीं थीम हमारी जो है, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं वो हम बनाते हैं, ये चीज दोस्तों ये हमारी छह थीम होती है। दोस्तों ये इन्वायरमेंट की छह थीम है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, किसी भी मेरे बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी कि परिवार और ये हमारे मित्र भी हो दोस्तों, हम खेलते हैं परिवार के साथ और मित्र के साथ, ये होंगे दोस्तों परिवार और मित्र, हमारे परिवार मित्र ये छीन दोस्तों हमारी, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, पूरी थीम हो गई, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों उप थीम की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे उप थीम की। तो दोस्तों जो पर्यावरण की उप थीम होती है, जो पर्यावरण की उप थीम होती है दोस्तों, ये उप थीम जो होती है आपकी परिवार एवं मित्र से दोस्तों, किससे उप थीम किससे है, जो दोस्तों हमारा परिवार और उससे है, उसी के अंतर्गत होती है दोस्तों, परिवार और परिवार एवं दोस्तों जो उपथीम पर्यावरण की जो उपथीम होती है हमारी परिवार एवं मित्र से, परिवार एवं तो दोस्तों ये जो पर्यावरण की हमारी उपथीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो ये उपथीम है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है, ये परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, परिवार एवं परिवार एवं मित्र के अंतर्गत दोस्तों ये थीम आती है, अंतर्गत ये थीम आती है दोस्तों, उपथीम जो उपथीम होती है ये किसके आधारित होती है, परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आधारित होती है दोस्तों, ये उपथीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण की उपथीम किसके अंतर्गत ये आधारित होती है, तो ये परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आधारित होती है दोस्तों, ये थीम परिवार और पर्यावरण की उपथीम दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ये क्या है दोस्तों, सब पहले दोस्तों जो उपथीम क्या है इसके बारे में जानते हैं थोड़ी कहानी के रूप में। दोस्तों जब हमारे परिवार में बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, जब हमारे परिवार में बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोस्तों खेलते हैं, कार्य करते हैं, क्या करते हैं, खेलते हैं और क्या करते हैं, कार्य करते हैं दोस्तों, खेलना और कार्य करना दोस्तों, ये हो गई हमारी एक उपथीम। अब दोस्तों जब हमारे बच्चे खेलते हैं, कार्य करते हैं, और हमारे बच्चों को दोस्तों खेलते खेलना और कार्य करना किसके साथ, एक तो भाई यानी कि ग्रुप के साथ अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, दूसरा दोस्तों वो जानवरों के साथ दोस्तों, क्या जानवरों के साथ भी वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, उनको खेलने का मन करता है जानवरों के साथ, तो वो देखते नहीं है आप दोस्तों, जैसे कि यानी कि गाय का छोटा सा बच्चा, भैंस का छोटा सा बच्चा, और दोस्तों और भी हाथी के बच्चे, उनसे हमारे बच्चे खेलने का बहुत ही उन्हें मन करता है दोस्तों, जानवर का कोई भी छोटा बच्चा हो हर बच्चा उसको खिलाने का मन करता है, हर किसी का मन करता है दोस्तों। तो दूसरी यानी उपथीम हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, जानवर हो गई, दूसरी उपथीम क्या हो गई, जानवर हो गई। तीसरी दोस्तों हमारे जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जो होते हैं दोस्तों अब जानवर दोस्तों, अब हमारे जानवर दोस्तों कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे दोस्तों हमें जानवर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जहाँ पे हरे पेड़ पौधे होते हैं वहीं पे दोस्तों हमें जानवर मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं हम दोस्तों इन्हीं से। तो ये क्या हो गया, दूसरी थीम हो गई दोस्तों हमारी पेड़ और पौधे, तीसरी थीम क्या हो गई, हमारे पेड़ और पौधे दोस्तों। तो इन दोस्तों जो हमारे बच्चे हैं इन जानवरों से और पेड़ पौधों से हमारा क्या होना चाहिए, एक अच्छा संबंध होना चाहिए, तो तभी हम दोस्तों हमारा अच्छा संबंध होगा तभी हम इनसे सामंजस्य बना पाएंगे, इनसे दोस्तों हम दोस्ती कर सकेंगे, इनके बारे में हम जान सकेंगे, जो ये क्या हो जाता है, ये संबंध हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, संबंध, क्या हो गया, ये संबंध हो गया दोस्तों। तो ये हमारी चौथी थीम उप थीम है दोस्तों। तो ये हमारी चार थीम है जो कि मैंने आपको कहानी के रूप में समझाने का प्रयास किया कि हमारे बच्चे हैं दोस्तों अहम उम्र के साथ तो खेलते ही खेलते हैं, कार्य करते हैं, खेलते हैं हर चीज, तो खेल कर खेलता खेलना कार्य करना ये हो गया दोस्तों हमारी पहली उप थीम। दूसरी दोस्तों यानी कि वो किसके साथ खेलना पसंद करते हैं, हम उम्र के साथ तो खेलना पसंद करते करते हैं प्लस साथ में जानवर के बच्चों के साथ भी खेलना पसंद करते हैं, तो दूसरी हमारी उपथीम क्या हो गई, जानवर हो गई। तीसरी उपथीम यानी कि अब जो हमारे जानवर होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के पास निकट रहते हैं दोस्तों, वहां पे रहते हैं, उनका घर घोंसला
पक्षी पक्षियों का और सब जगह दोस्तों पेड़ पौधों का ही तो वो सहारा लेते हैं। तो ये चीज है, तो ये पेड़ पौधे हो गए दोस्तों तीसरा। और जब इनसे हमारा अच्छा संबंध होगा दोस्तों तभी तो हम इनके बारे में जान पाएंगे, इनके साथ खेलेंगे उठेंगे बैठेंगे। तो ये चीज हो गई दोस्तों, तो ये पर्यावरण की उप थीम हो गई दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा यह थीम जो है, ये उप थीम जो है परिवार एवं मित्र के अंतर्गत ली गई है, आधारित है ये चीज है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की उप थीम, खेलना एवं कार्य करना, दूसरा है जानवर, तीसरा है पेड़ पौधे, चौथा है दोस्तों संबंध, ये उप थीम हो गए दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में एनवायरनमेंट से दोस्तों रिलेटेड हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता है आपसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों परिवार की। किसकी बात हो रही है अब, परिवार की दोस्तों बात होगी, यानी कि फैमिली की बात होगी। किसकी बात होगी, फैमिली की दोस्तों। किसकी बात करेंगे हम, फैमिली की बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं तो फैमिली दोस्तों, यानी कि फैमिली दोस्तों हमारा एक शब्द है फैमिलस से बनी है। जो फैमिली शब्द हमारा है, जो फैमिली शब्द है दोस्तों हमारा, जो फैमिली शब्द है ये हमारा फैमिलस शब्द से बना है। किससे, फैमिलस शब्द से बना है, फैमिलस शब्द से बना है दोस्तों। किससे बना है, फैमिलस शब्द से बना है दोस्तों। किससे बना है, फैमिलस शब्द से बना है। इसके दोस्तों दो व्यापक अर्थ होते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं। एक संकुचित अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है। एक क्या होता है, एक संकुचित अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है, सॉरी एक दोस्तों क्या होता है, एक एक संकुचित अर्थ होता है, एक संकुचित अर्थ होता है और एक दोस्तों व्यापक अर्थ होता है। एक क्या होता है, एक व्यापक अर्थ होता है। तो दोस्तों क्या होता है संकुचित अर्थ, क्या होता है व्यापक अर्थ, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली शब्द। और दोस्तों ये जो हमारा फैमिलस शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो परिवार है फैमिली शब्द है वो फैमिलस शब्द भाषा यानी लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है, जिसके कि दो अर्थ होते हैं संकुचित और व्यापक। दोस्तों तीन हमारे एनवायरमेंट में ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा दोस्तों पूछे जाते हैं, जो कि क्या है हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। एक जैसे कि आपका हो गया फैमिलस, फैमिलस हो गया, ये क्या है लैटिन भाषा का है दोस्तों। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा क्या दोस्तों, होता है हमारा इन्वायरमेंट। तीसरा होता है इन्वायरमेंट, क्या होता है इन्वायरमेंट दोस्तों, इन्वायरमेंट होता है, क्या होता है इन्वायरमेंट दोस्तों। तो ये हमारा किस भाषा का है दोस्तों, ये हमारा फ्रेंच भाषा का है। ये क्या है हमारा फ्रेंच भाषा का है दोस्तों, फ्रेंच भाषा से यह लिया गया है हमारा इन्वायरमेंट दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों कि फैमिलस जो है लैटिन भाषा से, इन्वायरमेंट किससे लिया गया है हमारे फ्रेंच भाषा से लिया गया है दोस्तों। तो फैमिलस का अब दो अर्थ होता है, एक होता है दोस्तों संकुचित अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है संकुचित अर्थ और क्या होता है व्यापक अर्थ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सारे बच्चे, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं संकुचित अर्थ की। किसकी बात करेंगे, संकुचित अर्थ की। तो दोस्तों परिवार में जो संकुचित अर्थ होता है अगर उसकी बात करें, तो परिवार जो फैमिलस शब्द था दोस्तों उसका संकुचित अर्थ होता है क्या दोस्तों, नौकर। क्या बताया गया, नौकर। क्या बताया गया, नौकर। पर दोस्तों हमारे यानी कि आप सोचिए कि क्या परिवार का अर्थ नौकर होगा, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये नौकर शब्द जो है हमारे यानी कि हमारे जो दोस्तों हमारे रीति रिवाजों में हमारे हमारी ये उसका नहीं था, हमारे कल्चर का ये नहीं था दोस्तों। ये पश्चिमी देश का यानी पश्चिमी देश का दोस्तों ये माना जाता था, पश्चिमी देश के कल्चर का माना जाता था, पश्चिमी देश के, ठीक है दोस्तों, ये पश्चिमी देश के वो माना जाता था। तो दोस्तों ये पश्चिमी देशों के माना जाता था यानी लैटिन जगत के रूप से माना जाता था, ये लैटिन जगत के, लैटिन जगत। तो ये दोस्तों पश्चिमी देशों की भाषा थी नौकर, और ये लैटिन जगत के रूप में माना जाता था। इसका दोस्तों मेन नौकर क्यों कहा गया फैमिली में, दोस्तों नौकर का सेंस ये होता था कि जैसे कि परिवार
जो परिवार का मेन कार्य क्या था, बालक का केवल लालन पोषण करना, बालक का क्या करना, केवल लालन पोषण करना दोस्तों, उनका मेन उद्देश्य क्या था कि बालक का लालन पोषण करना, सिर्फ माता पिता का यही यानी एक दायित्व होता है कि वो बालक का क्या करें, लालन पोषण करें, क्या करें, लालन पोषण करें, यही केवल दायित्व होता है एक माता पिता का, नौकर की तरह वो बालक का केवल क्या करें, लालन पोषण करें और कुछ न करें। तो उनको क्या मान लिया गया, नौकर मान लिया गया कि बस भाई इनका अर्थ संकुचित अर्थ ये है कि भाई जो माता पिता होते हैं वो बालक के केवल लालन पोषण करें नौकर की तरह। तो लैटिन जगत पश्चिमी देशों में यह माना गया दोस्तों। पर दोस्तों अब अगर व्यापक अर्थ की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर व्यापक अर्थ की बात की जाए तो परिवार, परिवार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, परिवार एक सामाजिक संस्था होती है। परिवार क्या होती है, परिवार एक दोस्तों, परिवार एक सामाजिक संस्था है, क्या है, एक सामाजिक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है दोस्तों। सामाजिक संस्था की बात करें दोस्तों, तो संस्था की बात करें दोस्तों तो यानी सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है दोस्तों संस्था, जिसमें कि दोस्तों पद के अनुसार से लोग होते हैं, सारे पद के अनुसार से लोग कार्य करते हैं दोस्तों। जैसे कि हेड होते हैं, जैसे हमारे दादाजी हमारे हेड होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, दादाजी हेड होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पिताजी होते हैं, फिर दोस्तों पिताजी के पुत्र होते हैं, फिर पुत्र के पितर, ये एक डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, सिस्टम जो एक संस्था के रूप में कार्य, जिसमें दोस्तों पद के अनुसार क्रम के अनुसार लोग कार्य करते हैं, ठीक है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है दोस्तों, जिसके अंतर्गत सामाजिकरण होती है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, बालक किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो किससे होती है, परिवार से ही होती है। किससे होती है, हमारे परिवार से होती है। परिवार से ही बालक सर्वप्रथम समाजीकरण की चीजें सीखता है। आप जानते हैं दोस्तों सारी बातें, समाजीकरण सीखता है यानी कि हमारे जो परिवार के अंतर्गत जो हमारे माता आते हैं, हमारे पिता आते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, चाचा चाची, चाचा चाची, तो ये सभी दोस्तों हमें क्या करते हैं, समाजीकरण की बातें बताते हैं, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या गलत है, क्या बुरा है। आप हैं घूमते, अंगूठा मुंह में डाल लिए, आप घूमना शुरू कर दिए, तभी दादाजी को बुलाए, बेटा इधर आओ, जरा इधर आओ, क्या रवि बेटा मुंह में अंगूठा चूस रहे हो, हाँ ये गलत बात है बेटा, अंगूठा नहीं चूसा जाता। तो ये क्या है दोस्तों, उन्होंने आपको एक नैतिक शिक्षा प्रदान की कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये सामाजिकरण की दोस्तों प्रक्रिया होती है, जिसमें कि हमारे माता पिता और दोस्तों हमारे आस पड़ोस और विद्यालय, इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। पर हमारी जो समाजीकरण की प्रथम प्रक्रिया जो शुरू होती है वो किससे स्टार्ट होती है, वो हमारे परिवार से स्टार्ट होती है। तो परिवार के अंतर्गत हमारे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सारे लोग दोस्तों हमारे क्या होते हैं, एक परिवार होते हैं, जो कि व्यापक अर्थ अगर जाना जाए तो यही होता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगर बात की जाए अपने दायित्व और कर्तव्यों का निहर, जो हमारे परिवार के सारे व्यक्ति होते हैं दोस्तों, चाहे हमारी माता जी हों, चाहे हमारे पिताजी हों, चाहे हमारे चाचा जी हों, चाहे हमारे दादाजी हों दोस्तों, सारे, चाहे हमारे दादी हों, चाहे हमारे दादाजी हों, दादाजी हों दोस्तों, सारे लोग अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं कि भाई सबका एक कर्तव्य है दोस्तों, माता जी का यानी होम मिनिस्टर होती है, इनको होम मिनिस्टर कहा जाता है, सारी घर की यानी कि जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, कोई भी काम है, कौन सी सब्जी आनी है, क्या बनना है, सारी चीजें, क्यों, सारी लिस्ट इन्हीं के मीनू जो तैयार होता है खाने का, होम मिनिस्टर के ही अकॉर्डिंग होता है। और जो पिताजी है ये भाई थोड़ा सा इनकम मिनिस्टर, इनको कह सकते हैं आप इनकम मिनिस्टर, जो सारी चीजें हैं, पैसे की व्यवस्था, सारी चीजें, आर्थिक व्यवस्था ये देखते हैं, पैसा कमाना है वो जो सारी चीजें ये कमाते हैं। पर दोस्तों परिवार के क्या अंतर्गत होता है, ये इन्होंने कमाया और ये क्या किए, ये अपने पिताजी को इन्होंने क्या कर दिया, सुपुर्द कर दिया। चाहे चाचा जी कमाए वो भी क्या किए, अपने पिताजी को सुपुर्द कर दिया। अगर आप संयुक्त फैमिली में है, अभी बात होगी कि परिवार के प्रकार के बारे में, तो उसमें सारी चीजें चर्चा होगी। पर ये क्या है, ये सब भाई इनकम मिनिस्टर होते हैं, चाचा जी हो गए, दादाजी हो गए, कि भाई सारे पैसे उसे का काम ये लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है यानी कि सारे व्यक्ति अपने दायित्वों का और कर्तव्यों का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं, जो परिवार में होते हैं दोस्तों, जिनका जो जो कार्य होता है वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जो पिताजी का कार्य है वो पिताजी करते हैं, जो माताजी का कार्य है वो माताजी करते हैं, और जो दादाजी का कार्य है या चाचा जी का वो करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परिवार के प्रति सभी का उत्तरदायित्व होता है,
यानी दोस्तों चाहे सुख हो या दुख हो, सुख हो चाहे दुख हो दोस्तों, हर कोई, हर परिवार का सदस्य, हर परिवार का सदस्य दोस्तों एक दूसरे से क्या होता है, हर परिवार का सदस्य एक दूसरे से जुड़ा होता है दोस्तों। दोस्तों चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी स्थिति हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, पर हर परिवार का सदस्य एक दूसरे से जुड़ा होता है और एक दूसरे का क्या होता है, उस पर उत्तरदायित्व तो होता है कि नहीं हमें इनका संरक्षण करना है, हमें इनका वो करना है, हमें इनकी देख रेख करनी। तो ये हर एक व्यक्ति का परिवार में क्या होता है, उत्तरदायित्व तो होता है दोस्तों। तो ये चीज होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में हिंदी की पुस्तक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों परिवार में बालक का विकास। अब दोस्तों परिवार में बालक का विकास किस प्रकार से होता है दोस्तों, ये बात जानना। दोस्तों एक परिवार में जब बालक जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो क्या होता है, एक बालक होता है। क्या होता है, एक बालक होता है दोस्तों। आपने मैकाइवर जी का नाम सुना होगा, मैकाइवर जी ने कहा कि जो बालक का विकास होता है, बालक परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार में ही उसका विकास होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों बालक पहले बालक रूप में, उसके बाद वो क्या होता है दोस्तों, उसका विवाह होता है तो वो वयस्क के रूप में बनता है दोस्तों। क्या होता है, वयस्क के रूप में होता है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, बालक से वयस्क बना, वयस्क से दोस्तों वह पिता बना, पिता से वह क्या बना, दादा बना दोस्तों, पिता से वह दादा बना और दादा के बाद वह दोस्तों कहां पहुंच गया, ऊपर, यानी कि उसका स्वर्गवास हो गया, जहां जाना था वो बेचारा चला गया। तो ये दोस्तों बालक का क्या होता है, विकास होता है उसके परिवार में ही होता है, जहां उसने जन्म लिया। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका विकास होगा, पहले बालक वयस्क होगा, फिर वो भी दोस्तों पिता बनेगा, फिर धीरे धीरे उसका शादी वो होगा, फिर वो दादा बनेगा। तो ये चीज है दोस्तों, धीरे धीरे यानी कि आप कह सकते हैं शैशवावस्था से प्रारंभ होगा और वृद्धावस्था तक वो पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, बालक का परिवार से ही बालक का विकास होता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए आप, हर क्षेत्र में दोस्तों, यानी शिक्षा का, शारीरिक विकास, सारी चीजें दोस्तों। शारीरिक विकास की बात की जाए तो सारी चीजें दोस्तों किसका, बालक का, इसी में होता है, परिवार में ही होता है। यानी मैकावर जी ने जो कहा दोस्तों कि बालक का जन्म और विकास जैसे होता है परिवार में होता है और उसकी मृत्यु भी परिवार में हो जाती है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों परिवार से शिक्षा। तो दोस्तों परिवार से शिक्षा की बात की जाए, बालक के अगर परिवार से शिक्षा की बात की जाए तो बालक दोस्तों परिवार के प्रत्येक सदस्य से, यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य से, परिवार के प्रत्येक सदस्य से दोस्तों शिक्षा प्राप्त करता है, प्रत्येक सदस्य से शिक्षा प्राप्त करता है। कैसी शिक्षा प्राप्त करता है, प्रत्येक से, परिवार के प्रत्येक सदस्य से दोस्तों, परिवार के प्रत्येक सदस्य से, प्रत्येक सदस्य से शिक्षा प्राप्त करता है। कैसी शिक्षा प्राप्त करता है, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। कैसी शिक्षा प्राप्त करता है, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है दोस्तों। कैसी, अनौपचारिक। सर अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। अब आप पूछेंगे सर अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा जो कि स्वाभाविक शिक्षा होती है, जो कि हम दोस्तों स्वयं प्राप्त करते हैं, किससे, अपने दादाजी से, अपने दादी जी से, अपने चाचा जी से, अपने चाची से, जो स्वाभाविक होती है दोस्तों, हमें जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, क्या होती है, स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त होती है अपने परिवार के सदस्यों से, किससे, अपने परिवार के सदस्यों से दोस्तों स्वाभाविक रूप से जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है अपने परिवार के सदस्यों, कभी दादाजी हमारे शिक्षा दे दिए, कभी हमारे दादी जी, हमारे माता जी, पिताजी, और दोस्तों हम समाज से भी शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं, वो दोस्तों अनौपचारिक, जिसके हम स्वयं शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा क्या कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य तो हमें शिक्षा प्रदान करते ही हैं दोस्तों, और हम क्या, और भी लोग हमें, समाज से भी शिक्षा हमें मिलती रहती है। तो ये बात है दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बालक की प्रथम गुरु। बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण प्रारंभ परिवार से ही प्रारंभ होता है दोस्तों, ये बात एकदम सही है। जो समाजीकरण का प्रारंभ होता है वो किससे प्रारंभ होता है, परिवार से ही प्रारंभ होता है।
और बात हो रही है बालक के प्रथम गुरु की। तो आप सभी जानते हैं कि बालक की या हम सभी की दोस्तों प्रथम गुरु कौन थी, हमारी माँ होती हैं। कौन होती हैं? हमारी माता जी होती हैं दोस्तों। कौन होती हैं? हमारी माता जी होती हैं, जो कि हमारी क्या मानी जाती हैं, प्रथम गुरु मानी जाती हैं दोस्तों। क्या मानी जाती हैं? प्रथम गुरु मानी जाती हैं हमारी माता जी, प्रथम गुरु मानी जाती हैं। यही दोस्तों हमें शिक्षा प्रदान करती हैं, क्या सही है क्या गलत है सारी चीज, ठीक है। तो ये दोस्तों होंगे हमारे माताजी, फिर दोस्तों हमारे पिताजी और हमारे सारे परिवार के सदस्य जो होते हैं दोस्तों, वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, सारी चीजों को बताते हैं। पिताजी हो गए, चाचा हो गए, दादाजी हो गए, दादी हो गए, सारे लोग दोस्तों हमें क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं ये सारे दोस्तों। और हम सभी जानते हैं जो समाजीकरण की भावना जो प्रारंभ होती है दोस्तों, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? सर्वप्रथम हमारे परिवार से ही प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? हमारे परिवार से प्रारंभ होती है। परिवार से ही बालक नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, क्या गलत है क्या सही है, इन सारी चीज़ों के बारे में शिक्षा प्राप्त करता है दोस्तों। तो ये चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं परिवार के कार्य। दोस्तों परिवार के कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। परिवार के कार्य, तो परिवार के कार्य की बात की जाए दोस्तों, तो शिक्षा की व्यवस्था, सर्वप्रथम बालक की शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है दोस्तों। किसको? परिवार के सदस्यों को। किसको? परिवार के सदस्यों को बालक की शिक्षा की व्यवस्था करना, बालक की शिक्षा का व्यवस्था करना, शिक्षा का व्यवस्था करना दोस्तों, की शिक्षा की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, बालक की शिक्षा की व्यवस्था करना। अरे भाई, बालक को स्कूल भेजेंगे आप, बालक को दोस्तों विद्यालय भेजेंगे कि अच्छे अच्छे स्कूल में जाके बालक शिक्षा प्राप्त करे, और उसकी आर्थिक व्यवस्था दोस्तों प्रदान करना। जैसे दोस्तों कहा नहीं जाता रोटी कपड़ा और मकान, दोस्तों पहले उसकी शिक्षा की हम व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हम उसके घर की रहने की व्यवस्था करेंगे, फिर उसके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करेंगे दोस्तों, रोटी की कपड़े की सारी उसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को हम दोस्तों उसकी जरूरत को क्या करेंगे, पूरी करेंगे। नेक्स्ट आती है लैंगिक व्यवस्था। अब दोस्तों लैंगिक व्यवस्था की बात की जाए तो बालक का दोस्तों हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए उसका क्या करवाएंगे, विवाह करवाएंगे। जैसे कि विवाह करवाएंगे, जैसे दोस्तों हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे, हमारा जो वंश है वो बढ़ता रहे, तो वो क्या करते हैं दोस्तों लैंगिक, ये भी दोस्तों हमारे माता पिता का दायित्व होता है कि विवाह करवाना, ठीक है। तो ये लैंगिक व्यवस्था जो परिवार का कार्य होता है दोस्तों, पहले बालक की शिक्षा का व्यवस्था करना, फिर आर्थिक व्यवस्था प्रदान करना, फिर दोस्तों लैंगिक व्यवस्था प्रदान करना, ये हमारे परिवार का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अनावश्यक कार्य। अब बात करें कि भाई अभी तो आवश्यक कार्य की बात हो रही थी, सर अनावश्यक कार्य क्या होते हैं? तो अनावश्यक कार्य होता है दोस्तों मनोरंजन, मनोरंजन का, मनोरंजन किस यानी मनोरंजन करवाना, मनोरंजन करवाना, करवाना या मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना, या मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना, मनोरंजन के, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना दोस्तों, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना, जैसे टीवी है दोस्तों, टीवी है और भी चीजें हैं जो कि बालकों को आप, ये अनावश्यक कार्य होता है दोस्तों कि हम अपने बालकों के लिए, अपने परिवार के लिए मनोरंजन के साधन भी यानी कि क्या करें, उपलब्ध कराएं कि बस दोस्तों उन यानी कि जैसे कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता है। ये अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आता है, पर भाई जरूरी होता है, तो थोड़ा बहुत जरूरी होता है, तो ये मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना, ये दोस्तों अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है परिवार के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाया गया है ये नोट्स दोस्तों, जिससे कि आप चीजों को समझ सके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, जो और आपकी दोस्तों जो यानी कि परेशानियां थी, दिक्कतें थी, वो भी दूर की जा रही है दोस्तों। संयुक्त परिवार, ये परिवार के प्रकार की बात की जाए तो परिवार के प्रकार, परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों संयुक्त परिवार, दूसरा होता है एकल परिवार। क्या होता है? पहला होता है संयुक्त परिवार, दूसरा होता है एकल परिवार। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो दोस्तों संयुक्त परिवार के अंतर्गत याद रखिएगा, संयुक्त परिवार के अंतर्गत हमारे माता पिता, माता पिता
और दोस्तों हमारे विवाहित एवं अविवाहित, विवाहित विवाहित एवं अविवाहित बच्चे एवं अविवाहित बच्चे आते हैं दोस्तों, बच्चे आते हैं अविवाहित बच्चे एवं हमारे दादा दादी एवं दादा दादी, यानी पूरा दोस्तों संयुक्त परिवार, पूरा क्या है संयुक्त परिवार दोस्तों, यानी सभी लोग उसमें उपस्थित हो, हमारे माता पिता अविवाहित बच्चे विवाहित बच्चे सभी लोग दोस्तों, चाचा चाची सभी लोग, वो क्या कहा जाता है एक संयुक्त परिवार, वो कहा जाता है कि अरे यार बढ़िया है, बहुत ही अच्छा संयुक्त परिवार है दोस्तों। तो और ये क्या कहते हैं संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब बात की जाए एकल परिवार की, तो दोस्तों एकल परिवार के अंतर्गत क्या आते हैं, एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता, माता पिता और उनके दोस्तों, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे दोस्तों कौन आएंगे, उनके अविवाहित बच्चे, उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे दोस्तों किसमें आएंगे, आपके एकल परिवार के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, यानी कि एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे दोस्तों। अब संयुक्त परिवार की बात की जाए तो माता पिता विवाहित एवं अविवाहित बच्चे दोस्तों, और उन दादा दादी चाचा चाची सब ये आपके क्या हो गए, एक संयुक्त फैमिली है दोस्तों, ये होता है ना कंबाइंड फैमिली, एक साथ रहती है। तो ये दोस्तों परिवार के प्रकार की बात हो गई, तो परिवार प्रकार दो प्रकार का दोस्तों, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार के गुण की दोस्तों, संयुक्त परिवार के गुण दोस्तों, जब हम एक साथ रहते हैं, कहते नहीं है एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, किसी भी कार्य को दोस्तों अगर हम अकेले कर रहे हैं और वही दोस्तों अगर हम चार लोग मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं तो क्या करेंगे, शीघ्र करेंगे, बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो यानी एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। कोई भी संकट है दोस्तों, अगर हम लोग चार लोग हैं इकट्ठा है तो हम उस संकट को दोस्तों बहुत ही, यानी कि बहुत ही सरलता से दूर कर सकते हैं। तो ये चीज है दोस्तों, बालक का उचित देखभाल करना, संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं दोस्तों, एकता में पहले शक्ति होती है, बालक की उचित देखभाल करना दोस्तों, जब यानी कि बालक जब छोटा होता है दोस्तों, तो यानी कि संयुक्त परिवार में हर कोई दोस्तों उसको संभाल लेता है, हर कोई उसका ख्याल रखता है, हर कोई दोस्तों उसे अपनी उचित शिक्षा प्रदान करता है कि बेटा देखो ऐसा कार्य करना चाहिए, बेटा देखो ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दादा से वो अलग शिक्षा प्रदान करता है, प्राप्त करता है, दादी से अलग प्राप्त करेगा, चाचा से अलग करेगा, चाची से दोस्तों सबसे वो अलग अलग शिक्षा प्राप्त करेगा। तो सोचिए कितना उसके पास शिक्षा का भंडार हो जाएगा दोस्तों। कम खर्च होना, कम खर्च भी होता है दोस्तों संयुक्त परिवार में, क्या हुआ दोस्तों सभी लोग कमाए, जैसे पिताजी कमाए, चाचाजी कमाए, पिताजी चाचाजी कमाए दोस्तों, और इन्होंने क्या किया, जो घर का मेन मुखिया है, यानी मेन मुखिया कौन, हमारे दादाजी, कौन है हमारे दादाजी दोस्तों, संयुक्त परिवार के मेन मुखिया दादाजी लोग होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सारा पैसा कमाया और दादाजी को ले आके दे दिए, अब दादाजी पूरा घर दोस्तों संभाल लें। अब दोस्तों सोचिए, चाहे एक लोग का खाना बने, चाहे दस पांच लोगों का खाना बने दोस्तों, खाना बनने में उतना ही समय लगता है, उतनी ही चीजें लगती है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं पर उतनी ही चीजें लगती हैं। तो जब दोस्तों चार पांच लोगों का खाना बनेगा तो बहुत खर्च भी नहीं होता, और भी चीजें होते हैं, दादा लोग संभाल के खर्च भी करते हैं, तो वही चीज है दोस्तों, यानी कम खर्च भी होता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के दोष, पर दोस्तों जहां पे अच्छाई है वहां बुराई भी है, कहते नहीं है गुण और दोष, ये भी दोस्तों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, यानी अच्छाई और बुराई, ये भी दोस्तों हर जगह जहां पे अगर अच्छाई है तो कुछ बुराई भी जरूर होती है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि गुलाब का फूल जो होता है दोस्तों, जो गुलाब का फूल होता है दोस्तों बन नहीं पा रहा है, और उसमें दोस्तों जगह जगह क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं, क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं, यानी गुलाब के फूल में अच्छाई तो बहुत होती है दोस्तों, पर कहीं ना कहीं उसमें कांटे भी होते हैं। तो वही चीज है, इसी तरह से संयुक्त परिवार के तो गुण बहुत है दोस्तों, अगर मैं बताने लगूं तो काफी समय लग जाएगा, तो पर उसके दोष भी होते हैं दोस्तों। क्या होता है, सबसे बड़ा दोष होता है कलह की अधिकता दोस्तों, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलह होता है दोस्तों, ज्यादातर आप देखते हैं महिलाओं में, पुरुषों में, सभी में दोस्तों ज्यादातर होता है कलह दोस्तों, बहुत ही ज्यादा होता है संयुक्त परिवार, तो कभी उनकी बात कभी उनकी बात, तो ये चीजें हैं दोस्तों संयुक्त परिवार में, थोड़ी सी यही चीज बहुत ही गलत होती है, तो ये होती है कलह की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों एकल परिवार के गुण, अब एकल परिवार की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें केवल माता पिता और उनके
अविवाहित बच्चे होते हैं। एक और प्रकार व्यक्ति पूर्णता क्या होता है, स्वतंत्र होता है। व्यक्ति पूर्णता दोस्तों स्वतंत्र होता है, कभी भी आपको कहीं भी जाना है दोस्तों, मूवी देखने जाना है, आपको कहीं भी हो जाना, कोई दादा दादी से पूछना नहीं है क्या खाना है, हर चीज दोस्तों आपके मन पसंद का बन रहा है, खाना पीना घूमना, खाना पीना घूमना सब दोस्तों आपके मन का, बिना आपके कोई भी दोस्तों, आप पूर्णता क्या है, पूर्णता स्वतंत्र है। एकल परिवार में क्या होती है दोस्तों, पूर्णता स्वतंत्रता मिलती है। क्या होती है, पूर्णता स्वतंत्रता। बालक व्यक्ति जो होता है इसमें पूर्णता क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अपने फ्री, कोई भी दोस्तों रोक टोक नहीं, नहीं तो माताजी कहे अरे घूंघट इतना करो, पिताजी कहे इतना घूंघट करो, इसमें कोई नहीं। आप चाहे जैसा ड्रेस पहन सकते हैं, चाहे जैसे आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जो खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं। और दूसरी पारिवारिक कलह नहीं होती, क्या दोस्तों इसमें आपका पारिवारिक कलह नहीं होता दोस्तों, कि उन्होंने ये ऐसी बात कही, उन्होंने ऐसी बात की, ये सब चीजें नहीं होती। पर दोस्तों इसका भी दोष है, एकल परिवार का दोष क्या होता है, बालक का सही ढंग से इसमें विकास न हो पाना दोस्तों। बालक अगर दोस्तों जब बालक छोटा होता है तो उसे दोस्तों अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए पिताजी कमाने चले गए, नौकरी पे चले गए, अब माताजी अकेले दोस्तों कैसे संभालेंगी, माताजी अकेले नहीं संभाल पाएंगी, माताजी भी अगर दोस्तों नौकरी वाली हुई तब तो और ही उद्धार हो गया बालक का। तो ये चीजें हैं दोस्तों, तो इसमें एकल परिवार में बालक के विकास नहीं हो पाता, बहुत ही दिक्कत होती है। संकट समय में आप क्या पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं दोस्तों, अपनों की याद संकट के ही समय में याद आती है दोस्तों, संकट के समय में हमें अपने परिवार की याद आती है। ऐसे तो दोस्तों कहा नहीं जाता, सुख में सब साथी पर दुख में ना कोई। तो दोस्तों वही चीज है, जब हमारे पर दुख पड़ती है या विपत्ति आती है तभी दोस्तों हमें अपने परिवार की याद आती है, तो दोस्तों वो चीज है। तो यही दोस्तों तभी दिक्कत होती है आपके एकल परिवार में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अपने मित्र के बारे में। दोस्तों मित्र दोस्तों ये एक ऐसा संबंध होता है जो कि न हमारे ब्लड का संबंध होता है, न रक्त का संबंध होता है, न दोस्तों ये हमारे ईश्वर बनाता है, कुछ नहीं, इसे दोस्तों हम स्वयं बनाते हैं। क्या, यह स्वयं दोस्तों बनाया गया संबंध होता है, स्वयं बनाया गया संबंध, स्वयं बनाया गया संबंध होता है दोस्तों, स्वयं बनाया गया संबंध होता है हर व्यक्ति का दोस्तों। हर व्यक्ति है, हर दोस्तों जो मित्र बनाता है वो स्वयं अपने मित्र को चुनता है, वो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है, वो उसके जैसा लगता है। तभी दोस्तों हम अपने मित्र, कोई भी हम दोस्तों व्यक्ति को मित्र कब बनाते हैं, जब हमारे आचार विचार, हमारी सोच उससे क्या होती है, मिलती है, उससे दोस्तों समान होती है, सोच उसकी क्या होती है, समान होती है। और दोस्तों जो हमारा मित्र है वो हमारे लिए तत्पर हमेशा क्या होता है दोस्तों, हम पे क्या होता है, हमारा तत्पर, हमारा सहयोगी होता है। क्या होता है, सहयोगकर्ता होता है, सहयोगी होता है। कोई भी कार्य है दोस्तों वो पूछेगा नहीं क्यों ये कार्य कर रहे हो, बस हाँ यार चलना है, यार ये चीज काम करना है, हाँ यार चलो लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, पहले पहुंच जाएगा। क्या उसका परिणाम होगा वो भी वो नहीं सोचेगा दोस्तों, बस हमारे, मेरा दोस्त खुश है, मेरा मित्र खुश है तो मैं वो कार्य करूंगा, अगर मेरे दोस्त को कोई भी दुख हुआ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये मित्र होते हैं दोस्तों, सहयोगी होते हैं दोस्तों, और निश्चय कोई भी उनको लालच नहीं होता, कोई भी लालच नहीं है दोस्तों कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं, कोई लालच नहीं, बस अपने मित्र का सहयोग करते हैं दोस्त। तो ये होते हैं मित्र दोस्तों, जो कि मित्र अगर सही रूप से जाना जाए, अगर सरल भाषा में, जो कि रक्त संबंध से न बनाया गया हो, जो कि स्वयं बनाया गया संबंध होता है, वो क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है दोस्त। जिसको कि हम स्वयं चुनते हैं वो क्या होती है, मित्रता कहलाती है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कृष्ण, अगर कोई उदाहरण दिया जाए तो दोस्तों मित्रता की सबसे अच्छी उदाहरण और मिसाल दी जाती है किसकी, कृष्ण और सुदामा की दोस्तों। आपने इनकी कहानी सुनी होगी, बहुत ही अच्छी मित्रता की कहानी थी दोस्तों कृष्ण और सुदामा की। कृष्ण भगवान इतने अमीर थे, सुदामा जी इतने गरीब थे दोस्तों, पर जब सुदामा जी उनके द्वार पे आते हैं तो आपने वो व्यंग सुना होगा दोस्तों, कृष्ण जी नंगे पांव दौड़ जाते हैं अपने उस मित्र को मिलने के लिए। तो वो दृश्य दोस्तों सोच के ही आंसू आ जाते हैं, कितना बड़ा महाराजा राजा जिसके हजारों नौकर वो है, और सिर्फ मित्र का अपना नाम सुनते नंगे पैर दौड़ जाता है और अपने अश्रु से दोस्तों उसकी यानी कि पैर धोता है। बहुत ही अच्छी दोस्तों दृश्य है, कहानियां है, आप सभी जानते होंगे। तो वो मित्र की एक मिसाल होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ये दोस्तों नितिन सर की ये नोट्स है, ये बुक्स है आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।